सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका ब्लॉग। तो आज की रेसिपी है भिंडी की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ भिंडी की जो तरी वाली रेसिपी होती है ना, वो शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आधा किलो के लगभग ये भिंडी है, ये 500 ग्राम। तो यहाँ पर ये देखिए, भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया और इसको एक उसमें बास्केट में निकाल लिया, जिससे इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर पानी इसका अच्छे से निकल भी गया है, तो इसको अब हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थाली में देखिए ले लिया है, और इसको थोड़े बड़े बड़े हिस्सों में काटना है। एकदम हम छोटा छोटा करेंगे तो फिर ये वो पानी में अच्छे से ये घुल जाएगी, लेकिन इसलिए हमें इसे बड़ा बड़ा से काटना है। तो इसको मैंने बड़े बड़े हिस्सों में काट लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, फाइनली मैंने सारे भिंडी को बड़े बड़े हिस्सों में कट कर लिया है। तो जो छोटी होती है उनको दो ही पीसेस में कट करो, और जो तीन है बड़ी है तो उसको तीन हिस्सों में हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ये दो मीडियम साइज़ के प्याज, दो हरी मिर्च और ये चार पांच लहसुन उसे कूट लिया था, और ये एक बड़ा मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसे भी छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया है। तो ये सब हमें इसके तड़के के लिए यूज़ करना है। तो चलते हैं, पहले हमें भिंडी को फ्राई करनी है। तो उसके लिए पहले मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। तो ये बहुत अच्छे इसमें गर्म हो गई है, तो इसमें अब हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच के करीब ये सरसों का तेल ऐड कर दिया है इसमें। तो इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने का ये है कि टेस्ट तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ उसमें जो ये हम उसको जब बाद में उसको तड़के में डालेंगे ना, तो वो भिंडी फटेगी नहीं। तो हम पहले से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो आधा कुक वो पहले ही हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा देर उसको पकाने की ज़रूरत बाद में नहीं होगी, और भिंडी तो वैसे भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये भिंडी को अच्छे से ये फ्राई करने के लिए रख दिया है तेल में। तो इसको हम थोड़े मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर हमारी भिंडी लगभग फ्राई हो चुकी है, और इसको ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, 2 से 3 मिनट में ये देखिए फ्राई हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको हमने दूसरे फिर से इसमें एक प्लेट में निकाल लिया है। तो मैंने फिर से वही कढ़ाई ली है, उसमें फिर से ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने ऑयल इसमें फिर से ऐड किया हुआ है। तो ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। तो इसमें डालते हैं ज़ीरा, तो जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ देखिए, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, और प्याज को थोड़ा सा इसमें होने देते हैं। प्याज का कलर जैसे ही वो हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, वैसे हम इसमें लहसुन, जो कुटी लहसुन थी वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन भी ऐड कर दी है। तो इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे हम गैस को। तो जब तक हमारी प्याज हो रही है, तब तक हमने एक बॉल में हल्दी डाल ली है, ये आधी छोटी चम्मच हल्दी है, और आधी चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने पिसी मिर्च ऐड की हुई है, और आधी चम्मच से ज़्यादा ये धनिया पाउडर है। तो इन सभी को, और इसमें थोड़ा सा मैंने भुना जीरा भी ऐड किया था। तो भुना जीरा डालकर इसको हम ऐड कर लेंगे, और सभी को थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे हम लोग, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा प्याज लहसुन हो चुका है, तो उसमें हमने टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिए, क्योंकि पहले ही हमारा भिंडी आधा कुक हो चुका है, तो हमें पहले ही टमाटर वगैरह डाल देना है, क्योंकि बाद में टमाटर गलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज में ही टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दी थी, तो इसे भी हो जाने देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हो चुका है, और देखिए टमाटर हमारे गल गए थे, तो इसमें मैंने वही पेस्ट डाल दिया है जो हमने अभी रेडी किया था, जो पिसे मसाले थे उनका। तो ये देखिए, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी सी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं। तो यहाँ देखिए तेल छोड़ने लगा है मसालों से, तो इसमें हमने डाल दिया है नमक। तो नमक के साथ इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं मसालों को। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी एकदम रेडी हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते जो हमने फ्राई की थी भिंडी। तो इस भिंडी को, सभी भिंडी को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और भिंडी के साथ ही इसको अच्छे से
मिक्स कर लेते हैं मसालों में। तो इसे हम थोड़ा सा मीडियम टू लो ही फ्लेम रखेंगे हम, तो इसको हम चलाते जाएंगे भिंडी और मसालों में, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी सब्जी हो जाती है, इसमें बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत टेस्टी भी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है और हमारे यहाँ तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो इसको हमें थोड़ा सा इसको कवर करके हमें थोड़ी देर इसको पका लेना है मसालों में। सो एक मिनट बाद हमने देखी, फिर इसको हटाकर देखा तो ये थोड़े से मसाले में अच्छे से फ्राई हो ली थी। तो इसे हमें फिर से एक बार फिर से इसको चला देना है, क्योंकि मसालों का टेस्ट अंदर तक भिंडी में पहुंचना चाहिए, तो इसलिए हमें इसको थोड़ी देर इसको मसालों में ही पकाना है। सो यहाँ पर मैंने इसको मसालों में अच्छे से पका लिया है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर देखिए अब भिंडी से तेल छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो मसालों में अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। तो इसमें मैंने ये एक कटोरी, बड़ी कटोरी थी उसके लगभग एक पानी ले लिया है, इसमें एक कटोरी के लगभग का पानी है इसमें मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी भिंडी इसमें होएगी तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी तो होनी चाहिए भिंडी में, क्योंकि हम ग्रेवी वाली भिंडी बना रहे हैं। तो इसको अब हम डालकर, पानी डाल दिया हमने इसको थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ और इसको अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। तो यहाँ देखिए भिंडी में पानी देखिए अब कम होता जा रहा है और अच्छे से उसने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है पानी को भिंडी ने। तो यहाँ पर हमारी भिंडी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको अब हम जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र किया है भिंडी को। तो ये मसालेदार भिंडी और ग्रेवी वाली भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इसको रोटी पराठे या नान के साथ आप खा सकते हो या चावल के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही मतलब डिलीशियस सब्जी लगती है और हमारे यहाँ तो वैसे भी सभी को फेवरेट है हमारे यहाँ। तो आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको अभी मैं आपको पराठे के साथ दिखाती हूँ कि पराठे के साथ भिंडी की सब्ज़ी कैसे लगती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गरम गरम पराठे बनाए, उसके साथ ये ग्रेवी वाली भिंडी हमारी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको भिंडी कितनी अच्छी ये है।